हेलो फ्रेंड्स, तो सुबह के बज चुके हैं 9:30 और मैं हो चुका हूँ रेडी और अपने घर से निकल रहा हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि घर से निकल के रेडी होके कहाँ जा रहा हूँ, तो मैं सिर्फ जा नहीं रहा हूँ, आपको भी साथ लेकर चल रहा हूँ एक रिज़ॉर्ट के टूर पे जिसका नाम है रेन हिल रिज़ॉर्ट, जो कि पानघर में महाराष्ट्र में स्थित है। और उस रिज़ॉर्ट की लिंक जो है, मैप की लिंक, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हो। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कार में सामान हम लोग रख चुके हैं, तो मेरे साथ काफ़ी सारे दोस्त भी आ रहे हैं, तो उनसे भी आपकी परिचय करवा देता हूँ। और हम लोग कार में अभी बैठेंगे, तो ये सब मेरे साथ फ्रेंड्स भी आ रहे हैं, तो अभी हम सफ़र शुरू करेंगे। तो चलिए जल्दी से चलते हैं और आपको करवाते हैं टूर रेन हिल रिजॉर्ट का। और बने रहिए इस वीडियो पे, मेरे चैनल पे आगे पूरा का पूरा देखने के लिए। तो मिलते हैं आगे रास्ते पे। तो अभी हम आधे रास्ते तक पहुंच गए हैं और यहाँ से तकरीबन 45 मिनट्स का रास्ता है और यहाँ पे रुके हुए हैं थोड़ा नर्सरी के पास। तो यहाँ पे बहुत सारे बढ़िया बढ़िया फूल पौधे, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, काफ़ी अच्छे फूल हैं, पौधे हैं सब। आपको यहाँ से रास्ते पे जो लेना हो तो ये भी मिल जाएंगे। तो अभी बढ़ेंगे हम आगे इसी रास्ते पे, जो कि आप मेरे पीछे की तरफ देख पा रहे हो, तो इसी रास्ते पे हम आगे जाएंगे। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। क्या चीज़ बाकी है? 1 किलोमीटर से टाइम बचा है। ओके। अरे पाइप तो साथ ही रहती है आपका। Say boy, let's not talk too much. Grab a waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love. इधर ट्रॉन ट्रॉन गाड़ी तो करी ही है। पापड़ी वाली है क्या अभी? ये पहले गाड़ो देती है अभी ऐसे। तो फाइनली इतने खतरनाक रास्ते के बाद हम लोग एग्जैक्टली हमारे जो रिजॉर्ट है रेन हिल रिजॉर्ट, वहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे रूम्स है पीछे की तरफ, जैसे हम देख सकते हो कुछ इस तरह के रूम्स है और मेरे फ्रेंड्स भी यहाँ पे खड़े हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो कुछ इस तरह के यहाँ पे रूम्स है पीछे की तरफ, जो एक रूम में मैक्सिमम 4 पर्सन रह सकते हैं। और इस तरफ टेंट्स भी लगाए गए हैं, टेंट्स पे भी आप अगर रात बिताना चाहो तो रात यहाँ पे भी आप बिता सकते हो। तो अभी आगे का नज़ारा लेंगे थोड़ी देर बाद, तो चलिए फिर मिलते हैं फिर आगे नज़ारा। सब पूल वूल जो भी है सब यहाँ का मैं देखूँगा और ऊपर यहाँ शायद ट्रैकिंग करने का भी पोर्शन है, तो वो भी आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बाहर से रूम्स और टेंट दिखाए थे, तो अभी अंदर से भी दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह के रूम है, आप रूम के अंदर इस तरफ आते ही जैसे ही स्लाइड ओपन करोगे तो अंदर की तरफ कुछ इस तरह से बेड रखे गए हैं 2 पर्सन के लिए और कर्टन वर्टन काफ़ी अच्छे हैं। और इस तरफ जो है पूरा बाथरूम और वॉशरूम है और सामने तरफ खिड़की एक और एक ड्रेसिंग टेबल भी दिया गया है साथ में। तो ये थे रूम, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि टेंट कैसे है। तो चलिए दोस्तों टेंट भी देख लेते हैं एक बार। तो टेंट एग्जैक्टली रूम के सामने ही रखे गए हैं, जैसे कि 3 टेंट आप यहाँ पे देख रहे हो। तो कुछ इस तरह के टेंट्स है, टेंट के अंदर आपको गद्दे भी मिल जाएंगे, अच्छे से गद्दे रखे हुए हैं, तो आपको रात को सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सब दोस्तों रूम के अंदर और टेंट के अंदर का नज़ारा कुछ। अभी और भी जो मुझे नया नया दिखता जाएगा इस रिज़ॉर्ट में, मैं आपको दिखाता जाऊंगा। जो आपको मैंने रूम बताया उसके पीछे की तरफ प्लेइंग एरिया है, तो उसकी एंट्री कुछ इस तरह से है, काफ़ी अच्छी एंट्री है और फ्रेंड्स भी मेरे यहाँ पे स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं। तो कुछ इस तरह की एंट्री है और राइट साइड पर आप प्लेइंग एरिया देख सकते हो पूरा के पूरा, जो छोटे बच्चे होंगे उसके खेलने के लिए। तो चलो प्लेइंग एरिया भी आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं। और लॉन काफ़ी अच्छा है, पेड़ भी लगे हुए हैं तो काफ़ी हरियाली भी है और कुछ इस तरह से प्लेइंग एरिया है छोटे बच्चों के लिए। और झूले भी
रखे गए हैं। इसमें बड़े छोटे सभी जन बैठ सकते हैं और मज़े कर सकते हैं। वीकेंड्स के लिए ये जगह बहुत अच्छी है अगर आपको इधर आना हो तो। गार्डन काफ़ी अच्छा बना गया हुआ है, जैसा कि देख बोला मैंने आपको कि छोटे बड़े सभी बैठ सकते हैं झूले पे, तो मेरे फ्रेंड्स जाके वहाँ पे बैठ भी चुके हैं और झूले खा रहे हैं, झूल रहे हैं, झूल रहे, झूम भी रहे हैं। सुबह के 10:30 बज रहे हैं और जो रिसोर्ट का रूम था उसके पीछे कुछ ट्रैकिंग एरिया भी था और ऊपर सनसेट पॉइंट भी था, तो शाम को तो नहीं जा पाए लेकिन अभी थोड़ा ट्रैकिंग कर लेते और देख लेते सनसेट पॉइंट किस तरफ है और ऊपर का नज़ारा भी थोड़ा देख लेंगे। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाता हूँ, कुछ इस तरह का रास्ता है ट्रैकिंग करने का। तो ऊपर सनसेट पॉइंट तक तो नहीं गए हम लोग क्योंकि 2-2.5 किलोमीटर जैसे चलना था ऊपर की तरफ, तो हम लोग नहीं गए क्योंकि वैसे ही हम लोग कल पूल में गए थे स्विमिंग पूल में तो वैसे ही थके हुए हैं। लेकिन यहाँ ऊपर आके हम लोग ने थोड़ी खट्टी इमली तोड़ी है ऐसे ही मज़ा करने के लिए, तो इसे लेकर वापस जा रहे हैं नीचे रिजॉर्ट की तरफ। तो अभी इसे मज़ा करेंगे हम लोग खा के, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं और रिजॉर्ट से चेकआउट करने का टाइम हो चुका है, तो अभी हम लोग सब वापस रिटर्न जा रहे हैं घर पे। तो चलिए अभी जाते हैं घर पे और ये व्लॉग को करते हैं ख़त्म। ये सब भी साथ है और ये मास्क वाला बंदा भी साथ में ही है, दिख रहा है भाई तू भी दिख रहा है, खर्चा किया है। तो चलिए अभी करते हैं व्लॉग को ख़त्म और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और हो सके तो वीडियो शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लिए मेरे चैनल को।